सेकेंड हाफ हो, क्या नाम हुआ आपका? तेजस्वी सिंह। इसी तरह आपको तेज बनना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? और थर्ड कौन आया? थर्ड, आप बिल्कुल अनमोल हो, इसी तरह अनमोल करना है जीवन में, ठीक है? गुड, बहुत अच्छा। इतने मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं। देखिए सारे लोग कितना मस्त। हाय, देखिए बहुत सारे हेल्थ के लिए भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। अगर आप सुबह में आते हैं 6 बजे तो एंट्री फ्री भी रहती है। तरह के पौधे लगे हैं वैसे यहाँ? वो तो आज नहीं है हमको। आज हम लोग जा रहे हैं जमुई पार्क, और अभी नया नया जमुई पार्क बना है, काफ़ी अच्छा वहाँ व्यूज है, और बहुत सारे लोग शाम को वहाँ एकत्रित होते हैं नेचर का आनंद लेने के लिए। तो चलिए चलते। हम आज जमुई के चिल्ड्रेन पार्क में आए हुए हैं, जो आपका ये ब्लॉक रोड है ना, जमुई ब्लॉक जो सदर है वही रोड में पड़ता है। आप यहाँ मस्ट विजिट आके एक बार कर सकते हैं। ये है मेन गेट इसका, और इसके अंदर चलते हैं और अंदर की खूबसूरती दिखाते हैं, लोगों से बात कराते हैं और बहुत चीजें दिखाते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। कैसे? आइए 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 आइए, बात कीजिए, आइए जम्मू का चिल्ड्रेन पार्क में। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, और ये नया खुला है, और यहाँ के एंट्री फीस 5 रुपए है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इसका खुलने का टाइमिंग है। और अभी आपको दिखाते हैं ये नया खुला है और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे और लोगों की भीड़। और हमारे साथ में है हमारे जितेंद्र भाई, इन्होंने ही हमें बताया था इसके बारे में। तो चलिए आज आपको हम जम्मू चिल्ड्रेन पार्क घुमाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हेल्थ के लिए भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। अगर आप सुबह में आते हैं तो सुबह में 6 बजे तो एंट्री फ्री भी रहती है, और एक्सरसाइज भी आप यहाँ आके कर सकते हैं। कैसे बच्चे लोग? हाँ, तो ये देखिए सारे लोग कितना मस्त। हाय, तो देखिए बहुत ही एक अच्छा है, और जम्मू में ये खुला है तो सामने लाइट जलता है इधर के? हाँ, सामने लाइट। अच्छा, ले लिए, पानी नहीं है ना। अच्छा, ये पहले चलती थी लाइट वगैरह, जब जलती थी ना इसमें वो ले। वहाँ पे लिखा हुआ है जमुई। कहाँ पे? चलिए अभी हम आपको जहाँ जमुई लिखा हुआ है घास से वहाँ लेके चलते हैं। अच्छा, मतलब जमीन पे बनाया है क्या? हाँ, जमीन पे बनाया है। अच्छा, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हट यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बारिश में भी लोग रुक सकते हैं। और पुराने समय में इस तरह के बहुत ज़्यादा हट बनाए जाते थे, और एक तरह से बोला जाए तो व्यू पॉइंट होता था, व्यू पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा हट बनाए जाते थे। और ये आप देख सकते थे यूज में, जहाँ पे डस्टबिन है यहाँ पे बीच बीच में लगाए गए हैं, और ये देख सकते हैं। हाँ, बोलिए अंदर। अभी हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा आनंद जी, तो मतलब क्या करते हैं आप, और इस पार्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, और खास करके यहाँ पर बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा करके इन्वॉल्व है, पेरेंट्स को भी एक अच्छा मौका मिल जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, या तो फिर आप बोले इवनिंग वॉक के लिए। बाकी इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं जिनको प्रॉपर वे में टेक केयर करने की आवश्यकता है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसे अच्छे तरीके से कोशिश है
उसे अच्छे तरीके से संजोए करके रखे ताकि बाकी लोग भी जो यहाँ पर आए एक आकर्षक का केंद्र बन सके। ये यहाँ पे देख रहे हैं ज्यादा पीपल का पेड़ और अच्छा पीपल का पेड़ मतलब क्या है ना कि जब सूर्य का प्रकाश रहता है ना तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन बना के ऑक्सीजन निकालता है ठीक है दिन में। और पीपल ऐसा वृक्ष है ना जो रात में भी ऑक्सीजन हम लोग को दे सकता है ना। तो यहाँ पीपल का पेड़ लगा है तो ये नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना दिन में भी और रात में भी। यहाँ पे देख रहे हैं एक पीपल दो तीन फिर एक वहाँ है बड़ा सा पीपल का पेड़ शुरू में ही बहुत बड़ा। अच्छा और यहाँ का घास उस भी काफ़ी गद्देदार लग रहा है ऐसा मतलब यहाँ पे अगर कोई बच्चा गिर उर भी जाएगा ना चोट नहीं लगेगा चोट नहीं लगेगा। पीपल के साथ यहाँ देखिए बरगद के भी पेड़ है मतलब बहुत तरह के पेड़ लगे हैं यहाँ पे बरगद नारियल वहाँ नीम का भी पेड़ है और नीम मतलब तरह तरह के पेड़ लगे हैं। अभी ये देखिए छोटा पेड़ है आने वाले समय में ये बड़ा होगा आई थिंक ये नारियल का पेड़ है। हाँ, नारियल। इसी तरह बहुत तरह के पौधे आपको लगे मिलेंगे आप देख सकते हैं कई तरह के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों का रेस लग रहा है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बच्चे हैं अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको रेस भी दिखाएंगे। चल चलिए देखिए यहाँ पे रेस लगी है और कौन जीतेगा पता नहीं अब देख सकते हैं वो जीत गए कौन जीत वहां तक रेस है क्या। हाँ वहां से फिर वापस अच्छा। आना है आप देख सकते हैं सेकंड राउंड में ये लोग वापस आ रहे हैं कौन जीता है यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे ये बच्ची जीत गई है। ओ ये सेकंड ये थर्ड फर्स्ट कौन आया हाँ, कैसा लग रहा है जीत के आपको। बहुत अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो में आने वाले हो पता है यूट्यूब में तो इसी तरह आप आगे हर एक चीज में जितना आगे बढ़ना है ना। क्या नाम हुआ आपका। चलिए ओके किस क्लास में पढ़ते हो आप। ओके थैंक यू गुड इसी तरह आगे बढ़ने दे ठीक है। सेकंड आप हो क्या नाम हुआ आपका। तेजस्वी सिंह इसी तरह आपको तेज बढ़ना है आगे बढ़ना है ठीक है। और थर्ड कौन आया थर्ड क्या नाम हुआ आपका। क्या अनमोल गुड आप बिल्कुल अनमोल हो इसी तरह अनमोल करना है जीवन में ठीक है गुड बहुत अच्छा आप लोग हाई कर लो एक बार गुड ओके ठीक है अच्छा गुड। तो अभी हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं यहाँ पे देखिए ये जो जोन है इसमें क्या है कि बहुत तरह तरह के पौधे लगे हैं हरे भरे पौधे लगे हैं आप देख सकते हैं वो ये तितली बाग वो गुलाब बाग हाँ। आप देखते हैं इधर देख रेख करते हैं। हाँ, हम लोग इसी देखते हैं। अच्छा 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 ज्यादा भीड़ कब आता है यहाँ सुबह की शाम में। ना शाम में आता है। शाम में आता है। आप यहाँ पे आप क्या करते हैं पानी देते हैं गुड़ाई करते हैं और सारे पौधों की रखवाल करते हैं। सारे पौधे को रखवाल है यहाँ बहुत कितने तरह के पौधे लगे हैं वैसे यहाँ। वो तो याद नहीं है हमको चाचा को याद नहीं लेकिन डेरी पौधा लगा लेकिन अच्छा चलिए बढ़िया वो तितली का नया तितसूड़ आप बनाइए जल्दी ठीक है बन जाएगा चलिए अच्छा। और यहाँ पे देखिए जो है आई लव जमुई आप देख सकते हैं आई लव जमुई यहाँ पे दर्शाया गया है। और तो अभी देखिए घूमते घूमते आप क्या नाम हो आपका। प्रेम। प्रेम क्या सुनाएंगे अभी आप बोल दो ना जरा। ओके थैंक यू। इतने मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं मैं किसी से कहूँगा नहीं हमारी कमी तुमको महसूस होगी भिगा देंगी जब बारिश मैं भर करके लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिश
रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। मैं किसी से कहूंगा नहीं। ओके गुड okay, अच्छा है आप आगे बढ़ो और हम चाहें कि आप बॉलीवुड में आओ है ना। ये कर लेते हैं आप पूछ लीजिए। हाँ अभी अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पार्क के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा के आपको यहाँ पे, कैसा है? यहाँ का पार्क बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं सब। तो अब पढ़ाई के दौरान जब हम बीच में टाइम निकाल के आते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पे? यस अच्छा लगता है। ये भाई जम्मू का क्रेज है वो अलग ही लेवल का है। जय जमुई, जय बिहार। ओके थैंक यू।